हेलो डियर एस्टेरेंट्स तो टुडे वी आर गोना डू एन इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर रिंग थियरी पार्ट इन केस ऑफ योर सीएसई एंड फॉरेस्ट सर्विसेज़ इन बोथ ऑफ द एग्जाम्स यू विल हैव क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस टॉपिक्स सब रिंग्स एंड आइडियल्स मोर इम्पोर्टेंटली सब रिंग्स और आइडियल्स को पढ़े बिना आप आगे के टॉपिक्स में भी कंटिन्यू नहीं कर सकते तो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स टू स्टडी फर्दर आज का सेशन छोटा ही होगा पिछला वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया था <laughs> तो आज हम लाइक थर्टी मिनट्स अप्रॉक्स सेशन रखेंगे और इस सेशन के अंदर में ही इन दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा सा गौर करने की कोशिश की जाएगी थोड़ा सा डजन मीन कि हम मनरेगा मजदूरी काइंड kind ऑफ of या याब्जर्ड मैनर में कुछ करते हैं वेरी डेफिनेशंस कंडीशंस देन गोइंग थ्रू द विजुअलाइजेशन फॉर एग्जांपल्स राइट तो दैट इज द वे टू लर्न हियर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला हम आज सब रिंग्स और आइडियल्स पे बात करने वाले हैं विल सी द डेफिनेशंस, विल सी द कंडीशंस विल सी द विजुअलाइजेशन थ्रू एग्जाम्पल्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वॉट आर दी वाई क्यूज एसोसिएटेड इन योर सी एस सी एंड फॉरेस्ट सर्विसेस विल ट्राई टू एक्सप्लोर दो प्यारे बच्चों चलिए तो जब आप सबरिंग की बात करते हैं जैसे कि हमने ग्रुप में पढ़ा था ग्रुप था फिर हमने सब ग्रुप पढ़ा तो पहले बेसिक आइडिया ले, ले लेते हैं फिर हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा राइट ऐसे ही यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा वे टू स्ट्रक्चर वे टू स्टडी द स्ट्रक्चर इज रिंग है फिर सब रिंग है फिर आइडिया ठीक है एक सिमेट्री नजर आ गई कि कैसे पढ़ना है यहां पर जो ग्रुप थियरी में हमने आइडियाज को एक्सप्लोर किया है दिस इज जस्ट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दैट आई ऑल्सो सैड कि अगर आप ग्रुप थियरी में लाइक सेवेंटी परसेंट एफर्ट्स आर नीडेड थर्टी परसेंट आर फॉर जस्टिंग थे क्योंकि सारे के सारा वही स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट होना होता है ठीक तो बेसिक्स तो रिमेन्स सेम तो आज का जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सबरिंग और आइडियल पर एक चीज जैसा कि अभी तक के कॉन्सेप्ट टॉक्स में आप लोग समझ चुके हैं इस चीज को कि यहां कॉन्सेप्ट टॉक का ये कतई मतलब नहीं है कोई शॉर्ट वीडियो बनाना है और हम बेसिक्स को इग्नोर करके चलेंगे जल्दी से क्वेश्चन करा देंगे इट इज नॉट द फंडा ऑफ दीज कॉन्सेप्ट टॉक्स आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स आई गो टिल द टॉप ऑफ दैट एंड समराइज द थिंग्स ठीक एफर्ट्स लगते हैं उससे पहले दिमाग को बहुत रिफाइन करना पड़ता है कि किस पॉइंट पे कितना फोकस करना है लेकिन फेयर एनफ जब चैलेंज लिया है तो पूरा किया ही जाएगा ठीक चलो तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि यह तो आपको आना चाहिए था तो मान लो हमारे पास लेट आर कॉमा स्टार डॉट बी अ रिंग ठीक है अब मान लो कोई नॉन इम्पिटी सबसेट है आर का ठीक तो एस विद रिस्पेक्ट टू दिस सब रिंग ऑफ आर स्टार डॉट देखो क्या है जैसा हमने सब ग्रुप में भी पढ़ा था कि वो खुद में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन अब देर इज अ कंडीशन कि भाई बार बार पूरी इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो रिंग की है तीन पार्ट में लिखते हैं पहला विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कंपोजिशन अबिलियन दिखाते हैं पांचों प्रॉपर्टी सेकंड कंपोजिशन सेमी ग्रुप भी दिखाते हैं फिर थर्ड में सेकंड कंपोजिशन को फर्स्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिविटी शो की जाती तो, है तो आई कैन गो बाय द डेफिनेशन और आई हैव एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक द सब रिंग ठीक है तो सब रिंग टेस्ट क्या है अगर मुझे एस स्टार डॉट को कॉमा डॉट का सबरिंग चेक करना है तो हमें दो कंपोनेंट्स पर बात करनी है नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए और ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस ए प्लस बी या फिर बी का एडिटिव इनवर्स या आप कहें उसको ए माइनस बी सॉरी बिलोंग्स टू एस अगर आपने कंपोजिशन स्टार ले रखा है तो ए स्टार और बी का एडिटिव इनवर्स इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपोजिशन ये भी एस में होना चाहिए दैट इज द लिटरल मीनिंग सब ग्रुप टेस्ट में भी हम यही करते थे कि ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच अगर ए बी इनवर्स बी एच में बिलोंग कर जाए देन वी से एच इज सब ग्रुप तो ये जो है फर्स्ट कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में एस को सब ग्रुप दिखा रहा है नथिंग मोर देन दैट बोलिए दैट इज एस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कंपोजिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कंपोजिट राइट सेकेंड थिंग व्हाट वी नीड इज जस्ट द क्लोजर पार्ट ए डॉट बी इज ऑल्सो इन अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए इस स्ट्रक्चर के द्वारा तो इसको बोल दिया जाएगा कि ये अपने पेरेंट रिंग का सब रिंग है क्लियर एक एग्जाम्पल से चीजों को समझ लिया जाए और एग्जाम्पल मान लो लेट्स कंसीडर अ रिंग और ये ऐसा एग्जाम्पल है दिखने में बहुत आसान है कॉलेज लाइफ की हर बुक में आपको मिल जाएगा और यूपीएससी के पी वाई देखेंगे तो वहां पे भी आपको मल्टीपल टाइम्स मिल जाएगा ठीक तो प्रैक्टिस करके रखेंगे ताकि हमें हेल्प मिले ठीक है तो मान लो हमने रिंग कंसीडर की है एन बाई एन रियल मैट्रसिस विद रिस्पेक्ट टू तो एडिशन ऑफ मैट्रसिस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रसिस ठीक है मान लो एक S1 लिया जिसके अंदर वो मैट्रिसेस है जो जिनका पहला दूसरा एंट्री कोई भी रियल नंबर ये है लेकिन ये दोनों एंट्री जीरो आपने फिक्स कर दी ठीक मान लो एक दूसरा सबसेट लिया ए बी सी जीरो टाइप का जहां ए बी सी जो है वो आर के अंदर है ठीक अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या एस वन विद रिस्पेक्ट टू अरे सॉरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस नंबर फर्स्ट इज अ कवरिंग ऑफ इक सेकेंड एस टू

वो भी एस वन में है ए माइनस बी अगर करेंगे सो ए माइनस सी बी माइनस डी जीरो जीरो दैट इज नथिंग अगेन जीरो रियल नंबर अगेन इन एस वन ठीक है दूसरा अगर आपने ए मल्टीप्लाई बी किया तो दिस इज तो दैट कम्स आउट एज ए सी जीरो ठीक है का एलिमेंट so, क्या सो करना था ए डॉट बी एस में रहना चाहिए और ए कंपोजिशन बी सो चूंकि हमने यहां पर usual addition of matrices ले रखा है, तो addition के रिस्पेक्ट में ए का इनवर्स क्या होगा माइनस सॉरी बी का इनवर्स इज माइनस बी तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स की जगह क्या मिल गया ए माइनस और हमने इसको बोल दिया यस इन द सेम मैनर यू कैन प्रोसीड फॉर द सेकेंड एज वेल यू विल गेट दैट एज अ हियर ओके डियर तो सबरिंग की एक बात बनी आपके दिमाग में कि हाँ ठीक बात है ये तो चलो आ, कैसे टेस्ट को अप्लाई करना है अब आइडियल्स पर जाने से पहले मैं सबरिंग पर ही कुछ और एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा चलिए अब आपसे ही क्वेश्चन करते हैं बताइए जेड सिक्स एडिशन मॉड्यूलो सिक्स मल्टीप्लीकेशन इज अ अवरिंग ऑफ Z टेन एडिशन मॉड्यूलो सिक्स सॉरी मान लो जेड सेवन ले लिया क्वेश्चन मार्क कैन यू रिप्लाई इट प्लीज एवरीवन विल ट्राई टू रिप्लाई प्लीज और ग्रुप थियरी में अगर आपने मॉड्यूलो सिस्टम वाले लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा तो आपको चमक गया होगा ये चीज ठीक है आंसर इज नो वाई भाई मेरे जेड सिक्स जेड सेवन का सबसेट नहीं होता है डिसंटेंस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिस कंटेंस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव बट दीज आर क्लासेस नॉट सिंपल इन टीजर्स और ये क्लासेस हैं मॉड्यूलो सिक्स में और ये क्लासेस हैं मॉड्यूलो सेवन में तो वो जब सबसेट ही नहीं हुआ तो सबरिंग तो बहुत बड़ी बात हो गई फिर बोलिए तो इस टाइप का झूठ बूट के तमाशे से डरना नहीं है अपने को से यस और नो चलो अगला उठाते हैं लेट से मैंने आर जो लिया है वो लिया क्यू आई क्यू आई का मतलब है ए प्लस आयोटा बी जहां ए बिलोंग्स टू क्यू क्यू मीन्स रेशनल नंबर्स मान लो एस ले लिया जेड आई तो देट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दो ए प्लस आईटा बी जहां ए एंड बी आर इन जेड अब आपको ये बताना है कि एस विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दिस इज अ सबरिंग ऑफ आर प्लीज रिप्लाई चेक किया आपने सिंपल <laughs> सी है ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी ए माइनस सी अगेन सम अल्फा प्लस आयोटा बी टाइप का ए बी सी डी आर इंटीजर्स सो ए माइनस बी इज इंटीजर सी माइनस डी इज इंटीजर ए प्लस आयोटा बी इन टू सी प्लस आयोटा डी again this will be alpha plus iota b kind of where alpha and beta are integers so your answer will be yes clear so what i would like to suggest you guys here is if you have missed the concept talk 80 81 sorry where i have explored all categories of possible rings integral domains and field then you must attend that first and अप्लाई दीज कंडीशन डेफिनेशन टू हैव द मोर क्लियर विजुअलाइजेशन क्लियर एक क्वेश्चन है यूपीएससी ने जो आपसे पूछा था मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं देखता हूं आप लोगों में से कितने लोग रिप्लाई कर पाएंगे ठीक है क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अवरिंग च हैज आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट देन रिंग दिस वॉज द क्वेश्चन दे आस्कड़ा और फर्स्ट राउंड ऑफ थाट में ऐसा लगेगा आपको कि यार क्या बवाल पूछ रहा है ये यू मे फील लाइक कि यार क्या मतलब है इस चीज का ठीक लेकिन अगर आप कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करने वाली आदत में हैं तो आपके लिए जस्ट बच्चा वाला सवाल है ये यार अगर मैं जेड एन में देखूंगा वहां तो नहीं मिल रहा है जेड आई में भी नहीं दिख रहा है क्या मैट्रसेस वाले एग्जाम्पल्स में हेल्प हो सकती है सीधा दिमाग आपका वहां क्लिक करेगा और अगर नहीं कर रहा है तो जब मैंने आपको सब रिंग्स दिखाए हैं पहले ये एग्जांपल्स कराए ना आपको अब आप इस रिंग को उठाइए और इस सब रिंग को उठाइए इनके जरा आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कंपोजिशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट पे जरा ऑब्जर्व कीजिए तो so, अगर आप इस रिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बट अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे अरे यार एन बाई एन ये टू बाई टू ले, ले, ले। सॉरी मस्ट बी टू बाई टू पैरेंट रिंग है ना तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वन जीरो जीरो वन दिखेगा लेकिन अगर आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट खोजने जाए तो सॉरी हाउ टू फाइंड आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट जो वापस से वही एलिमेंट को वापस दे दे तो A, C, यहां से बी सी तो ए सी मस्ट बी ए बी सी मस्ट बी बी तो सी मस्ट बी वन यहां से C मस्ट बी वन D इज फ्री टू चूज तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा इस वाली सवरिंग का C इज वन D इज फ्री टू चूज ठीक है D में भी वन टू थ्री एनी थिंग अब आप ऑब्जर्व कर लीजिए ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स अलग अलग हैं या नहीं क्लियर तो वो झूठ मूठ का तमाशा हो गया कि नहीं वो पी वाई क्यू Are you people getting the point here? What I am trying to convey means अगर आप categories of examples को explore करते जाते हैं, you get more ideas and you get the crystal clear picture कि कौन सा example किसके counter में work कर सकता है, इसके support में work कर सकता है, ठीक है? तो I guess सब्रिंग का ये वाला पार्ट आपको दिखा यहाँ पर तो दैट इज डन यू कैन टेक द रिंग यू कैन टेक एज कलेक्शन ऑफ टू बाई टू रियल द सब रिंग यू कैन टेक इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला वो मिला वन जीरो जीरो वन और इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है दैट इज वन डी जीरो जीरो वेयर आर डी बिलोंग्स टू रियल क्लियर है बात अब सबरिंग के अंदर ही कुछ बेसिक टर्म्स और आते हैं ठीक है तो बहुत जल्दी चीजों को लाइक फिनिश करने के, हम क्या करें हो सकता है कि आज हम केवल सबरिंग्स को ही डील करें आइडियंस को, आइडियल्स को सेपरेटली डील कर लें ठीक सबरिंग में ही कुछ कॉन्सेप्ट और मिलते हैं अपने को दैट इज लाइक यूनियन of two subrings other is intersection of two subrings other is sum of two subrings okay. Let's say, अगर आपके पास एस वन एंड एस टू आर टू सवरिंग्स तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट एस वन प्लस एस टू इज अ सेट ए प्लस बी जहां ए एस वन से आ रहा है बी एस टू से आ रहा है ठीक है यू वॉन्ट टू नो कि वेदर सम ऑफ टू is इज अगेन subring ऑफ द पेरेंट रिंग or नॉट यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर की यूनियन ऑफ टू सबरिंग्स इज अगेन अ सबरिंग ऑफ दैटेरेंट रिंग नाट रिगार्डिंग माई पॉइंट और इन्हीं के बेस पर आइडियल्स में सेम सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ठीक है तो प्रोशीड किया जाए इजाजत है चलिए <laughs> कुछ कुछ मैं आपको आइडिया देता हूं देखते हैं आप कहां किस लेवल तक उसको एक्सप्लोर करने में आपकी मददगार साबित होगी लेट्स एक्सप्लोर मान लो आपने जो रिंग लिया वो ले लिया इंटीजर्स वाला यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखते रहे ना अब आपने ले लिया लेट्स से टू जेड ठीक क्योंकि टू जेड इज अबसेट ऑफ जेड एंड बाई द कंडीशन यू कैन एक्सप्लोर कि दिस इज अ सबरिंग एज वेल ओके अब आपने दूसरा जो एस टू सबरिंग लिया वो मान लो ले लिया थ्री जेड कमा प्लस कॉमा डॉट ठीक है दिस इज ऑल्सो सब रिंग ऑफ ठीक अब आप ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि S1 वन यूनियन एस टू भी सब रिंग ऑफ जेड होगा कि नहीं होगा बोलिए विल इट बी सब रिंग और नॉट एक्सप्लोर कीजिए तनाव क्यों लेते हैं ट्राई टू एक्सप्लोर इट प्लीज टू जेड क्या होगा भाई इसके अंदर जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स टाइप के एलिमेंट्स देखेंगे टू के मल्टीपल्स थ्री जेड में थ्री के मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स दिखेंगे राइट टू जेड यूनियन थ्री जेड कैसा दिखेगा जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन राइट अब आप अगर देखें टू टू जेड में बिलोंग करता है थ्री बिलोंग्स टू थ्री जेड बट टू प्लस थ्री इक्वल्स फाइव दैट डज नॉट बिलोंग्स टू टू जेड यूनियन थ्री जेड बोलिए कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं टू बिलोंग्स टू एस वन थ्री बिलोंग्स टू एस टू राइट एस वन यूनियन एस टू सॉरी बट टू प्लस थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू एस वन यूनियन एस टू तो क्या कहेगा एस वन यूनियन एस टू इज नॉट ए कवरिंग ऑफ जेड कॉमा प्लस कॉमा डॉट अब टू जेड यूनियन फोर जेड आप कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी लेकर आ सकते हैं जहां पर वो सबरिंग या टू जेड फोर जेड सो योर आंसर विल बी नीड नॉट बी क्या कहेंगे इज नॉट नहीं बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सबरिंग्स नीड नॉट बी अ अबरिंग ऑफ दैट पेरेंट रें अगेन दैट इज द लिटरल मीनिंग हियर कोई दिक्कत यहां तक बोलिए एनी वन एनी इश्यू हियर नहीं चलिए आगे बढ़े इंटरसेक्शन पर अगर बात आएगी तो दिस विल डेफिनेटली गिव यू यस क्यों क्योंकि मेरे भाई अगर आपने देखिए ए एस वन इंटरसेक्शन एस टू में है तो ए एस वन में भी होगा और ए एस टू में भी होगा राइट right? अगर बी एस वन इंटरसेक्शन एस टू में है तो बी एस वन में भी होगा एंड बी एस टू में भी होगा तो ए माइनस बी अगर एस वन में है तो ए माइनस बी एस टू में है तो ए माइनस बी एस वन इंटरसेक्शन एस टू में भी होगा और ए इंटू बी अगर एस वन एंड एस टू में है तो ए इंटू बी एस वन इंटरसेक्शन एस टू में भी होगा तो दिस इज द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और द प्रेजेंटेशन फॉर दिस पार्ट देख लीजिए आराम से और कोई दिक्कत होगी तो बताइए नाउ द थर्ड पार्ट इज विट इंटरेस्टिंग एंड आई होप यू पीपल विल ट्राई टू रिप्लाई दैट इन द कमेंट सेक्शन ई वेदर सम ऑफ टू सवरिंग्स इज अगेन अवरिंग और नॉट विल यू प्लीज तो जो लोग लगातार कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है थर्ड क्वेश्चन के आंसर को यस और नो में रिप्लाई जरूर करें यस नो या नीड नॉट बी वट एवर यू वॉन्ट्स टू से ओवर दैट ठीक है कोई दिक्कत ऐसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन कह रहा हूं वॉट आर पॉसिबल रिंग्स ऑफ चलो इसको तो रिप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो <laughs> बोलिए प्लस के क्यों क्योंकि आगे आप आइडियल्स पढ़ेंगे फिर आप क्वेश्चन रिंग्स पढ़ेंगे या फैक्टर रिंग जिसको आप बोलते हैं ठीक है उसके अंदर आप इस कॉन्सेप्ट से बच नहीं सकते तो एक बार अगर आपको बता दिया गया कहानी खत्म टू जेड माइनस टू जेड थ्री जेड फोर जेड इस टाइप के ऑल पॉसिबल सबरिंग्स होते हैं तो एम जेड कॉमा इज अ सबरिंग ऑफ दैट इज व्हाट यू से पॉसिबल सबरिंग्स ऑफ

और कोई उसमें पॉसिबल सबरिंग आपको नहीं दिखाई दे रहा है अब ये जो हमें मदद करेगा वो आगे एक्सप्लोर करने में मदद करेगा लाइक आइडियल्स ठीक तो याद रखेंगे ये पॉसिबिलिटी के बारे में फेयर अच्छा रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड वाला जो पिछला कॉन्सेप्ट टॉक है वो आप में से किस किस ने अटेंड किया और उसमें जो मैंने कैटेगरीज ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू विजुअलाइजेशन कराया था व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट दैट प्लीज टेल मी मतलब अगर वो कैटेगरीज आपके दिमाग में हैं तो सबरिंग्स या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना आसान है या नहीं इतना बताइए बस मुझे बाकी चीज को मारिए गोली प्लीज रिप्लाई ठीक है चलो सबरिंग में क्या कोई और कॉन्सेप्ट बन सकता है अगर सबरिंग पढ़ रहे हैं तो क्या सब फील्ड टाइप का कोई कॉन्सेप्ट बन सकता है ठीक। तो सब फील्ड क्या होता है अगेन द सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई क्या मान लो लेट एफ कॉमा स्टार कॉमा डॉट Be a field. S is a subset of F. Where? Of S star dot itself is a field, then we say S star dot is a subfield of F star dot. कैन यू ट्राई टू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट सब फील्ड के कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो चिल्लाइए जरा और तेजी से चिल्लाइए ताकि मेरे कानों तक आवाज आए फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑब्जर्व देखना ध्यान से क्यू प्लस डॉट इज अब फील्ड ऑफ R plus dot. Okay? R plus dot is a subfield of C plus dot. And why I said to recall the previous concepts or the previous concept talk because there I talked about different categories of ring integral domains and fields. तो फ्रॉम देयर यू कैन पिक डिफरेंट एग्जाम्पल्स यू कैन ट्राई टू एक्सप्लोर द आइडियाज़ की सबरिंग कैसे हम सबरिंग और सब फील्ड्स को कैसे और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई हैव डन सफिशियंट पार्ट फॉर सबरिंग्स सबसे पहला काम उसका डेफिनेशन दूसरा काम उसका कंडीशन तीसरा काम उसका

प्यारा कॉन्सेप्ट है <laughs> कि उसको मन नहीं कर रहा है कि जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए मतलब ऐसे ही हैब्जर्ड मैनर में तो हम अगले सेशन में अगले कॉन्सेप्ट टॉक में जब मिलें तो हम आइडियल्स पे एक प्रॉपर एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ काम करने वाले हैं सो so दैट अपने को चीज़ें एकदम से क्रिस्टल क्लियर चमके और चूंकि आइडियल्स से भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो इट इज लाइक नॉट अ गुड आइडिया टू फिनिश द आइडियल टॉपिक इन वेरी शॉर्ट टाइम वो मतलब उसको भी हम तीस पैंतीस टॉक रख लेंगे तो अपने को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है बाकी आप लोग अपने एक्सपीरियंसिस रिव्यूज शेयर करते रहिए इट्स एनअप फॉर द डे विल मीट इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक फॉर आइडियल्स चो Keep learning. Keep smiling. Good luck, dear fellows.